दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, सुन्नियों की भी है, शियाओं की भी है। ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है कि नहीं शियाओं में खाली अथना शरी का है, नहीं ये अथना शरियों का भी मसला है, ये अकबरी शियाओं का भी मसला है। जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये मसला मुसलमानों का मसला है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, ये इंसाफ का मसला है, ये इनकी खुद मुख्तारी का मसला है, ये इनकी मुमलिकत उनकी जमीन का भी मसला है। और अगर कोई ये कहेगा असबियत की बात करेगा तो तुम सरासर गलत हो। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, सुन्नियों की भी है, शियाओं की भी है। सुन्नियों में अगर कोई कहेगा कि क्या ये अहले हदीस की है, क्या ये तबलीगियों की है, क्या ये देवबंदियों की है, क्या ये बरेलवियों की है, क्या ये सूफियों की है, अरे नहीं मेरे भाई, ये सबका है। अगर कोई कहेगा कि नहीं शियाओं में खाली अथना शरी का है, नहीं ये अथना शरियों का भी मसला है, ये दाऊदी सुलेमानी बोहरों का भी मसला है, ये अकबरी शियाओं का भी मसला है। क्यों ये मसला है? क्योंकि अल खुद्स शरीफ है, ये बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा है। क्यों हमारे लिए अहमियत है? ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मुकद्दस जगह है, ये वो जगह है जहां से हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए थे, ये वो मस्जिद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों को जमात बनाकर नमाज में इमामत की। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर हशर का मैदान बनेगा, ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर औबे काबे कौसर वहां से लेकर मदीने तक होगा, ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस जगह पर हमेशा अल्लाह इसे 40 खुतुब और अब्दाल को रखेगा, जो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। ये वो जगह है जहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुजाहिदीन की सरजमीन है जो सुबह कयामत तक बातिल से मुकाबला करेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ये वो जगह है मुसलमानों जहां की माओं ने अपनी औलाद की लाशों को देखकर भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपने दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो जगह है जहां पर बाप अपने बच्चों की लाश उठाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मैं अपनी औलाद को इस दीन की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहा हूं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर 75 साल से मुसलमानों ने अपना खून बहाया है मगर अपने पेशानियों पर खौफ या ओफ या किसी भी किस्म की परेशानी को आने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं उस सरजमीन के फलस्तीनियों को, हम सलाम करते हैं वहां के मुजाहिदीन को, हम सलाम करते हैं वहां की माओं को, हम सलाम करते हैं वहां के नौजवानों को, हम सलाम करते हैं वहां के उन मासूम बच्चों को जो आज रो रहे हैं, अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों को जो भूख और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को जिसको तूर सीनीन की जगह कहा गया। इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब होंगे।